हम आ चुके हैं अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मुगलसराय के जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, जो कि आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का लुक। और यहाँ पे बहुत सारे यात्रीगण बैठे हुए हैं और अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हम भी आ चुके हैं कुछ देर पहले, जो कि अभी हमारे ट्रेन को आने में कम से कम 25-30 मिनट का समय है। तो हम अभी वेट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कुछ जा रहे हैं किस मकसद से, अपने जितने भी व्यूअर हैं उन लोगों को बता दें, क्योंकि हम अपना जो भी चैनल को स्टार्ट किए हैं रोजगार पे चर्चा, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हमारे देश का एक बड़ा समस्या है। तो उस चीज़ को हम कैसे खड़ा करेंगे, कैसे सभी युवाओं को लेकर आगे बढ़ पाएंगे, उसी के लिए मैं अपने आप का अपना स्किल को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर के और बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सेमिनार है, उसको अटेंड करेंगे। और 3 दिन का सुबह से शाम तक वो सेमिनार चलेगा और उसमें सेमिनार सुबह से 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे ख़त्म होगा। तो उस सेमिनार में हम जाएंगे और उस सेमिनार को अटेंड करेंगे, उस बिजनेस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और उसमें जो सिखाने वाले लोग हैं उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी देना चाहते हैं आप लोगों को, कि उसमें सिखाने के लिए और बताने के लिए कौन लोग उसमें आते हैं और कौन प्रोफेसर हैं उस बड़ा बिजनेस कंपनी के, जो कि बड़ा बिजनेस कंपनी के फाउंडर और CEO डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं। तो उसके जो फाउंडर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, वो तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत बड़े लाइफ कोच भी हैं। तो वो बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताते हैं और उनका यूट्यूब चैनल भी है जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ही नाम से है। तो आप लोग उनको जाकर यूट्यूब पे उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके बातों को फॉलो कीजिए, सुनिए, समझिए, पहले जाकर उस चीज़ को देखिए कि कैसा कंटेंट वो देते हैं, किस चीज़ के बारे में बताते हैं। आप उस पर भी ज़्यादातर आप लोग को बिजनेस से रिलेटेड ही आपको कंटेंट मिलेगा। तो हम चलते हैं अपने कौन से हमारे प्रोफेसर हैं उसके बारे में हम बता कुछ जानकारी देते हैं, जो कि हमारे नॉलेज में है, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में बताते हैं। आप लोग सुने होंगे जो कि पतंजलि का भी नाम सुने होंगे, उसके जो कि पतंजलि के फाउंडर और CEO हैं वो हैं आचार्य बालकृष्ण, जो कि बाबा रामदेव के साथ आप लोग बहुत बार देखे होंगे आचार्य बालकृष्ण को, जो कि पतंजलि जैसे बड़ी कंपनी को पूरे भारत भर में ऑर्गेनाइज किया, सिस्टमेटिक बनाया और इतने बड़े संस्था को खड़ा किया बहुत कम समय में और बहुत ही बेहतर तरीका से। बाबा रामदेव जो हैं वो योगा से अपना प्रोडक्ट को, पतंजलि को, वो एक प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं और उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जो कि ब्रांड एम्बेसडर कहा जाए तो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो इतने बड़े कंपनी के जो कि खड़ा किए हैं उसके बारे में बताएंगे कि हमने पतंजलि को किस तरह से सेगमेंट किया और छोटे से प्रोडक्ट से शुरुआत की, कितने प्रोडक्ट से हम मार्केट में आए और उस चीज़ को सारे बारे में बताएंगे और उस चीज़ का नॉलेज देंगे हमें और बताएंगे कि आप लोग भी जिस भी फील्ड में हैं तो कैसे अपने बिजनेस को और ज़्यादा ऊँचाई पर ले जाएंगे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और हम एक और ब्रांड का नाम लेते हैं जो कि अमूल का नाम सुने होंगे, उसके CEO हैं जो कि RS सोडी जी हैं, वो हम लोगों को बताएंगे कि कैसे हमने अमूल जैसे एक कंपनी को कितने बड़े लेवल पे, कितने दूर तक, और आज का टर्नओवर क्या है उसके बारे में वो बताएंगे और वो उस चीज़ को जिक्र करेंगे। आगे चलते हैं, अब आएगा आपका प्रोसेस परफॉर्मेंस, यानी कि स्केल एंड एक्सपेंशन। स्केल एंड एक्सपेंशन से आउटकम है प्रॉफिट, लवली, क्या है आउटकम, क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट। बाद में आप प्रॉफिट को टारगेट रख के भी चल सकते हो, आप प्रॉफिट को प्रोपोर्शन रख के भी चल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो बाय अ मॉडल, इसलिए मैंने आपको एक दफा एक पेड प्रोग्राम के अंदर ऐप में बताया था, 1/3, 1/3, 1/3, एक कौन से कंपनी का बताया था, एक तिहाई खर्चा, एक तिहाई कमाई, एक तिहाई बेचने का। हाँ, किसका? बजाज कंज्यूमर केयर।
बजाज कंज्यूमर केयर का हेयर ऑयल आता है, क्या नाम है उसका? वेरी गुड। 900 करोड़ का उनका सेल, 900 करोड़ की सेल में 300 करोड़ बनाने में लगता है, 300 करोड़ बेचने में लगता है और 300 करोड़ का मुनाफा है। तो वन थर्ड पहले डिवाइड करके रख लिया, उसके बेसिस पे उन्होंने रिवर्स कैलकुलेशन करनी शुरू करी। लेकिन उनकी एक अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज है वो सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है। क्लाउड लिखा है सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, ये नहीं कि मैं 100 प्रोडक्ट ले आऊंगा टर्नओवर बढ़ाऊंगा। वही गलती हुआ ना, देखो पतंजलि से 1200 प्रोडक्ट लॉन्च किया, वापस 750 पे आ गए, क्योंकि इन्वेंटरी खराब होती है, तंगी होती है, बहुत परेशानी होती है, अटेंशन कितना डिवाइड हो जाता है। तो आगे चलते हैं, अब समझते हैं इसको कि बर्निंग प्रॉब्लम को समझने से पहले ये दो प्रश्न जो मैं जीवन भर दोहराते रहूंगा और आपको भी जीवन भर रोज अपने आप को सुबह ऑफिस में एंटर करते वक्त भगवान का नाम लेने के बाद अगर कुछ और बोलना है तो ये दो प्रश्न बोलने। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले इतने इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हाँ, पहला आप भगवान का नाम ले लो जिनको आप विश्वास करते हैं अपने अपने धर्म और अपने अपने अनुसार, अपने अपने प्रेम के अनुसार, सबकी समझ के अनुसार। लेकिन उसके बाद जो दूसरा लेंगे वो ये लेंगे, वो क्या है? बाया हाथ आगे लाइए, मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम। व्हाट इज दी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ माय कस्टमर? तो हमें कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लाउडली यस नो, लाउड गाइस कम ऑन, यस नो। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी, बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी, समस्या नहीं ज्वलंत समस्या, यानी कि सबसे बड़ी समस्या। तो हाथ आगे लाइए, बर्निंग प्रॉब्लम। दूसरा, ऐसे कैसे सॉल्व करूं क्यों मेरे बिना अपने आप ना कर पाए? क्या मेरी बात समझ आ रही? जिस दिन ये दो प्रश्नों का उत्तर आया, गेम चेंज, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके बिना अपने आप कर नहीं पाएगा। देखो ये यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिए, मोबाइल नंबर लिख लीजिए, ताकि मैनुअल मिसप्लेस ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको क्या है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री का पेपर अगर मिसप्लेस हो गया ना, दोबारा निकल आता है, मैनुअल मिसप्लेस हो गया तो नहीं मिलेगा।